हम हमेशा कहते हैं जल ही जीवन है और ये उतना ही सच है, लेकिन गांव में या गांव के बाहर एक कुआं या एक बोर, वहां से पानी लाने के लिए काफ़ी दूर चलना, वहां पे लंबी कतारें और वहां पे होने वाले झगड़े, ये भारत के किसी भी गांव का दृश्य हम देखते आए हैं। लेकिन केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन ये योजना इस चित्र को बदलने का काम तेजी से कर रही है। इस योजना के तहत हर घर में नल, यह शासन का मिशन है। 2024 तक हर घर नल, हर घर जल देने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा विभाग में स्थित जालना जिले के श्रीकृष्ण नगर ने अपनी तस्वीर बदल दी है। जालना जिले का ये गांव जल जीवन मिशन के माध्यम से 100% घरों में जल पहुंचाने में कामयाब रहा है। श्रीकृष्ण नगर दूधना नदी के तट पे होने के बावजूद भी सूखे से प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण पीने के पानी की कठिनाइयों से गुजर रहा था। स्थायी रूप सूखे के कारण मराठवाड़ा के बहुत सारे गांवों को पानी की उपलब्धि नहीं होती है, लेकिन श्रीकृष्ण नगर के सभी लोगों ने जल जीवन मिशन सफल बनाने के लिए सहयोग दिया और उसके कारण आज पूरे गांव में नहीं बल्कि यहां के स्कूल में भी खुशहाली छाई है। जल जीवन मिशन के तहत 48 लाख रुपए लागत से पूरी हुई परियोजना में एक सार्वजनिक कुआं, 45,000 लीटर जलकुंभ, इनका निर्माण किया गया है। गावामध्ये इथे पाण्याची खूप अडचण होती, परंतु जल जीवन मिशन अंतर्गत ज्यावेळेस पासून सगळ्या गावांना पाणी पुरवठ्याचे अंतर्गत नळ देण्यात आले, त्या अंतर्गत आमच्या शाळेला सुद्धा एक नळ देण्यात आला। पूर्ण वेळ पाणी, शुद्ध पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध होते, तसेच मुलींना मुलांना शौचालय जाण्यासाठी पाणी उपलब्ध असणार योजना, या योजनेसाठी आम्हाला जी पाण्याची आवश्यकता होती, पहिल्यांदा आम्हाला गावातून पाणी आणावं लागायचं, पण आता ही योजने अंतर्गत नळ झाल्यामुळे आम्हाला शालेय पोषण आहार योजनेसाठी शुद्ध पाणी उपलब्ध होते, त्यामुळे आमच्या शाळेमध्ये आम्ही वृक्षारोपण पण खूप छान प्रकारे करू शकलो। स्वच्छतेचे महत्त्व आमच्या सर्व मुलांना हे एक अंगीकृत करता येत आहे। अभी हमने देखा श्रीकृष्ण नगर जिला जालना महाराष्ट्र के लोगों की जिंदगी में किस तरह से जल जीवन मिशन की बदौलत कैसे अच्छा बदलाव आया है।